चरण से धो
श्रीअद्वैतगदानरशिवदधि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रथम नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है। आज तिथि का नाम श्री माधव तिथि, इसलिए श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बली। जैसे पहले लोग बड़ी कठोर तपस्या करते थे सत्य युग में, त्रेता युग में जो रोज रोज यज्ञ करते थे, द्वापर युग में 1600 उपचार से रोज रोज पूजा सेवा करते थे, भले ये सब अन्यान्य युग में ये सब के सब ये साधन था भगवत प्राप्ति का, लेकिन कलयुग में भगवत प्राप्ति का कौन सा साधन है? श्री एकादशी व्रत ही कलयुग में ये साधन है और ये तपस्या है। ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी तिथि आती है, इसलिए श्री भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। कभी ये तिथि का नाम उन्होंने दिया माधव तिथि। माधव तिथि मतलब जैसे हमारा भारत में सोमवार को शंकर जी की उपासना करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को उपासना करते हैं, बुधवार को गणेश जी का, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी का, शनिवार को शनिचर का, रविवार को सूर्य देवता का, जिसे अलग 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 देवा देवियों को पूजा करते हैं। कभी एकादशी क्या है? कभी माधव तिथि, जो एकादशी ये भगवान श्री माधव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये व्रत है। इसको क्या करनी चाहिए? ले माधव तिथि भक्ति जननी, इसको बताया ये भक्ति की ये माँ है। माँ क्या करती है? जैसे बच्चों को जन्म देती है, लालन पालन करती है, कभी एकादशी के द्वारा क्या होता है? बोले भगवान की भक्ति मिलती है और भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्त, इसलिए कहते ना भक्ति रे वैव नयति, भक्ति रे वैव दर्शयति, भक्ति रे वैव भक्ति वश पुरुष भक्ति एव भुवसी। कहते भक्ति क्या करती है? भक्ति रे वैव नयति, कहते भगवान तक जीव को पहुंचाने वाले कौन है? इसलिए कृष्ण गीता में भागवत में कहते हैं, क्या कहते हैं? न साध है तमाम जोग ना ना धर्म उद्धव न साधय तपस त्याग जथा भक्ति ममर्जिता। कहते हे उद्धव, ये भक्ति को द्वारा मैं जैसे वशीभूत होता हूँ, न तो जोग को द्वारा, न तो कर्म को द्वारा, न तो ज्ञान को द्वारा, भक्त्या माम एकया ग्राह्यम न च बुद्धया न च टीकया, केवल भक्ति को द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूँ और किसी को द्वारा नहीं। इसलिए भक्ति रे वैव नयति, भक्ति रे वैव दर्शयति, भगवत दर्शन कौन करवाता है? बोले भगवान की भक्ति करती है। इसलिए भक्ति क्या करती है? भक्ति ही जीव को भगवान तक पहुंचाने वाले भक्ति। लेकिन वो भक्ति मिलेगी कैसे? बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे।
कहते अगर ये एकादशी व्रत को कोई जत्न पूर्वक पालन करे फिर क्या होगा, कहते इसको द्वारा ही भगवत भक्ति मिलेगी और ये भक्ति को द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए नियम है एकादशी व्रत को अच्छे तरह से पालन करनी चाहिए। बोले कैसे अच्छे तरह से पालन करें एकादशी व्रत को, हम कलयुग में एकादशी व्रत ही क्या है, यही तपस्या है, है? यही कलयुग में तपस्या है। पहले लोग कैसे एकादशी व्रत रखते थे, बोले एकादशी व्रत से एक दिन पहले एक बार भोजन करते थे, रात को भोजन नहीं करते थे। फिर एकादशी का दिन पूरा के पूरा निर्जला रखते थे, कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, पूरा निर्जला। और द्वादशी का दिन टाइम के अंदर में ये व्रत को खोलते थे, इसलिए त्रिरात्रि, हाँ इसको त्रिरात्रि बताया गया, त्रिदिन भी बताया, तीन दिन तक एकादशी व्रत को पहले पालन करते थे। लेकिन जब प्रभुपाद आए उन्होंने देखा ये कलयुग का जी ये नहीं कर सकते, ये तीन दिन तक व्रत को ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलयुग का जी, कलयुग में ये समर्थ इतना नहीं जो तीन रात और तीन दिन तक ये व्रत को रखे। दशमी का दिन एक बार भोजन, एकादशी का दिन एकदम नहीं, द्वादशी का दिन टाइम में ही एक बार, टाइम में एक बार ही भोजन करते थे, तभी एकादशी का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता था। लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये कलयुग का जीव नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ये अनुकल्प का व्यवस्था कर दिया, नहीं क्या करो एकादशी का दिन थोड़ा बहुत लो, थोड़ा बहुत लो ले करके क्या करो भजन करो, इसलिए उसको कहते एकादशी। एकादशी मतलब होता है ग्यारह, ग्यारह से कहते हैं, ग्यारह से मतलब हमारी ग्यारह इंद्रियां, कहते पांच कर्म इंद्रियां, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, और पांच ये ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, कहते इसका राजा कौन, बोले मन, इसका राजा मन। इसलिए ये ग्यारह से मतलब होता है हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, नियम है एकादशी का दिन ये ग्यारह इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाओ। इसलिए प्रभुपाद ने देखा अगर ये पूरा निर्जला व्रत रखेंगे ना, दिन भर सोते रहेंगे, दिन भर ये सोते रहेंगे, ये फिर कुछ करेंगे नहीं, थोड़ी बहुत जो हरिनाम भजन कीर्तन करते उसको नहीं करके हैं, बोले कुछ करो, बोला आज हमने व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा है, व्रत रखा मतलब दिन भर ये सोते रहेंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उपवास का उन्होंने डेफिनेशन दिया है। उपवास का मतलब क्या होता है, साधारण लोगों का धारणा है उपवास मतलब होता है उस दिन कुछ नहीं खाना ही उपवास, लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते नहीं, उपवास मतलब होता है उपावृतस्य पापेभ्य जस्तुवा गुणैः उपवास सविज्ञान उपवास लंघनम्, नहीं खाने से उपवास नहीं होता है। उपवास मतलब क्या, बोले उपावृतस्य पापेभ्यो, बोले सारे पाप को परित्याग करते हुए क्या करो, जस्तुवा गुणैः क्या करो, भगवान की गुणानुवाद करो। जैसे श्री अम्बरीश महाराज एकादशी का दिन क्या करते थे, एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, कैसे, बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, हैं मन को क्या करते थे, ठाकुर जी के चरण में लगा कर रखते थे, बोले वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्तन, बोले वाक्य से क्या करते थे, भगवान की गुणानुवाद करते थे। बोले करो हरीर मंदिर मार्जनादिशु, दोनों हाथ को क्या करते थे, ठाकुर जी की मंदिर मार्जना करते थे। बोले श्रुति चत चत अच्युत सत कथा देव, कानों से क्या करते थे, भगवान की कथा सुनते थे, हैं? इसलिए सर को भगवान के चरण में प्रणाम करते थे। बोले पादो हर क्षेत्र पजानु सर्पणी, बोले अपना प्यार से क्या करते थे, तुलसी परिक्रमा धाम परिक्रमा भगवान की मंदिर परिक्रमा करते थे एकादशी का दिन। इसलिए एकादशी का दिन एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना, इसलिए बोले उपावृतस्य पापेभ्य जस्तुवा गुणैः उपवास सब विज्ञा। इसलिए जो पंडित लोग
उसको ही एक उपवास कहते हैं, ना उपवास लंघनम, नहीं खाने से उपवास नहीं होता है। दूसरा श्लोक बताए बोले उपर समीपे जो वास जीवात्मा परमात्मा नो उपवास सव्यम न शरीर विशेषणम, कहते शरीर को सुखाने से उपवास नहीं होता है। उपवास लोग साधारण लोग सोचते हैं पूरा नहीं खाए नहीं पिए एकदम पूरा के पूरा हाँ पूरा भूखे रहना, इसलिए यहाँ पर कहते नहीं। बोले उपर समीपे जो वास, उपवास मतलब होता है भगवान की निकट में वास करो। बोले भगवान की निकट में कैसे वास वास करे, बोले दस्तु भाग नहीं सा, उनका निकट में कैसे वास करे हैं, बोलते हरि कथा है, हरि कथा है, हरि कथा है, हरि कथा है, मतलब हरि कहाँ पर है, कहते हरि कथा है। मद भक्ता जत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान स्वयं कहते हैं जहाँ पर मेरी कीर्तन कथा हो मैं वहीं पर ही निवास करता हूँ। इसलिए एकादशी के दिन क्या करनी चाहिए, जस्तु बाघ नहीं सब, अगर दिन भर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की भजन करते हैं, बस भगवान के निकट में निवास करते हैं, कथा को द्वारा उनकी कीर्तन को द्वारा ही। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे एकादशी के दिन रात भर बोले श्री हरि वास हरि हरि कीर्तन विधाना प्रभु जगतेर प्राण पुन्ना श्रीवास गणेशो भरव कुटिल कीर्तन ध्वनि गोपाल मृदंग मंदिर बजे की संकीर्तन संगे सवे आइला मिसा। कहते हैं महाप्रभु बोले एकदम सवेरे से एकादशी का दिन ना एकदम सवेरे सवेरे सारे भक्त श्रीवास अंगन में सबके सब भक्त एकत्रित होकर दिन भर हरि कीर्तन रात भर हरि कीर्तन मृदंग मंदिर बाजे संग ब्रह्मांड भेदला ध्वनि पुरीला आकाश हर चौथे ग्रह अमंगल सब जाय नाश। देखो यहाँ पर भी कहते जब भगवान का कीर्तन होना जब मृदंग बजे, मृदंग कौन है, बलदेव प्रभु, मृदंग श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु, इसका आवाज जितने दूर तक जाएगा कोई भूत पिशाच डाके निशाकी कोई नहीं रह सकता। इसलिए कहते ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पुरीला आकाश है चौधरी ग्रह अमंगल सब जाए नाश। जब मृदंग का ध्वनि जितने दूर तक पहुंचेगा ना सारे अमंगल को वहां से दूर कर देगा, सारे अमंगल वहां से दूर भाग जाएगा, करुणा अपने आप वहां से भाग जाएगी कीर्तन को द्वारा। इसलिए कल बुद्धि ने बताया ना हम क्या करेंगे 9 बजे से लेकर के 9 मिनट तक क्या करके दिया जलाएंगे, हम लोग क्या करें कीर्तन करेंगे, हम दिया जला कर क्या करेंगे ठाकुर जी आरती करेंगे और ठाकुर जी की कीर्तन करेंगे। मोदी अगर इतना बोल देता है ना सबके सब ठाकुर को दिया जलाओ और भगवान की कीर्तन करो भगवान का नाम करो भगवान से प्रार्थना करो ये करुणा दूर हो जाए हैं, ये और बढ़िया, ये बढ़िया था ये बात। इसलिए कहते उपसमीप जो वासो जीवात्मा परमात्मा नो, इसलिए जीवात्मा जब परमात्मा का निकट में वास करते हैं कहते उपवास सव्यम न शरीर विशेषणम, शरीर को सुखाने पर एकादशी नहीं होता व्रत नहीं होता है, क्या करनी चाहिए उस दिन भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा जितने हरि नाम करते हैं ना उस दिन क्या करो नियम करो उस दिन सब ज्यादा हरि नाम करें, क्योंकि उस दिन कहते एक माला करे तो 10 माला करने का 100 माला करने का फल मिलता है। एकादशी का दिन एक माला करो 100 माला करने का फल मिलेगा। ये माधव तिथि है ना भगवान का तिथि है, आज थोड़ी सी कोई भक्ति करे नियम है एकादशी का दिन जितने हम भक्ति के अनुष्ठान करते हैं थोड़ी सी ज्यादा नाम थोड़ी कीर्तन ठाकुर को थोड़ी सी अच्छे तरह सेवा पूजा उस दिन जिस दिन ठाकुर जी को दूसरे दिन जो चीज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना उस दिन क्या करनी चाहिए ठाकुर को एकादशी थोड़ी है एकादशी तो हम लोगों के लिए। इसलिए
ठाकुर जी के लिए क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए रोज जैसे प्रसाद पाते हैं रोटी चावल सब्जी, बल्कि उसी दिन क्या करो ठाकुर जी के लिए वो चीज थोड़ा ज्यादा बनाओ। इसलिए महाप्रभु का समय पर हैं जगदीश और हिरण्य क्या कर रहे थे, एक दिन महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे जोर जोर से रो रहे थे, उनका रोना आवाज ही बंद नहीं हो रहा था। तब पूछे भैया आप इतने क्यों रो रहे हो, क्या बात, किस लिए आज रो रहे हो? बोले हिरण्य गोवर्धन आज वो ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर लुच्ची पूरी है और परमान खीर पायस और बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया, उसको लाओ मैं खाना चाहता। बोले भैया किसने ठाकुर जी के लिए बनाया, थोड़ी तेरे लिए, वो तो ठाकुर के लिए, और तुम कह रहे हो उसको लाओ हम मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, और तुम्हें कैसे पता उनके घर में बढ़िया बढ़िया बन रहा है। सचमुच से उनके घर में जब गए पूछा तो उन्होंने देखा एकादशी का दिन बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए हाँ पकवान, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। भले निमाई को कैसे पता चला, छोटा बच्चे को, जब उनके घर में आज लुच्ची पूरी मालपुआ रसमलाई सब बन रही हैं कैसे? लेकिन वो तो भक्त है ना, कहते भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए और अभक्त द्रव्य प्रभु उलट नाचाए। भक्तों का वस्तु तो भगवान को बड़ा प्यारा होता है, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्जन की मेवा त्यागे साग विदुर वगैरह खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे बड़ा बंधन है संबंध, भक्ति का संबंध है, वो तो भक्त है, नहीं से थोड़ी भगवान बोलते, वो अपने आप बोले कैसे उसको पता चला, बहुत अच्छी बात, ले जाओ लेकर के निमाय को भोजन कराओ। इसलिए नियम है एकादशी का दिन ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बनाकर बनानी चाहिए, क्योंकि उसी दिन जो प्रसाद है ना, जैसे दूसरे दिन पनीर का सब्जी बन रहा है बड़े सुंदर, जितने भी बन रहा है ठाकुर जी के लिए पहले हमारे मुंह में पानी, आज क्या बन रहा है, बोले पनीर सब्जी, बोले वाह है, पहले घृणार्थ अर्ध भोजनम, फिर उसको देखने पर वो आज बढ़िया प्रसाद बन रहा है, पहले हमारी मन में खाने की इच्छा हो जाती है। इसलिए लेकिन एकादशी का दिन हमें क्या पता है आज हम ये चीज नहीं खा सकते हैं, इसलिए आज जो बन रहा है ना केवल ठाकुर जी के लिए, आज ठाकुर जी के लिए बन रहा है, हैं? इसलिए एकादशी का मतलब होता है 11 इंद्रियों को द्वारा क्या करो, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए पादव तिथि भक्ति जननी कहते जतन पालन करी, उसको बड़ी जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए। और कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली, कहते वो तिथि को बड़ा आदर पूर्वक वो तिथि को वर्ण करो। बोले क्यों, बोले कृष्ण बसती बसती बोली, वो जो माधव तिथि में भगवान का निवास है ठाकुर जी की, उसमें ठाकुर जी की निवास है, इसलिए एकादशी तिथि को बहुत अच्छे तरह से पालन करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु सारा दिन हरि कीर्तन हरि नाम सारा दिन करते थे, सारा दिन हरि कीर्तन हरि नाम करते थे, है? बोले श्री एकादशी तिथि की जय, बोले श्री भक्ति जननी की पिताई गौर प्रेमानंद। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, हम श्रवण कर रहे थे, इसलिए जैसे इसी जगत में कोई मंत्री आने पर उसके लिए पहले जैसे हर चीज की व्यवस्था हो जाती है, अनाउंसमेंट होता है, टीवी में आती है, न्यूज पेपर में आता है, उसी तरह जब श्री गोलोक वृंदावन से कोई भगवत अवतार आते हैं, पहले से ही गीता भागवत रामायण में विभिन्न ग्रंथ में पहले ही लिख जाती है, तो उसी तरह श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। ग्रंथ राज कौन है, बोले श्रीमद भागवत ग्रंथ, ये ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ ही राजा है ग्रंथों में। इसलिए भागवत में भी कहते 3-4 श्लोकों के द्वारा महाप्रभु की महिमा गाई गई। जब श्री नेमी महाराज ने करभाजन को उन्होंने प्रश्न किया, बोले कलयुग में ये अवतार कौन है और उनको कैसे उपासना की जाएगी, तो उन्होंने 3-4 श्लोकों को बताए। कल हम लोगों ने एक श्लोक को श्रवण किया था, श्लोक कौन सा था, बोला कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधस। कल हम लोगों ने
ये श्लोक को हम लोगों ने श्रवण किया था। बोले कलि युग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो किसको उपासना करेंगे? बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि को। है वही कृष्ण ही कलि युग में अपना धाम और परिकरों को लेकर इस जगत में आए और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करते हुए विश्व ब्रह्मांड का उन्होंने कल्याण किया है। इसलिए कल हम लोगों ने यह श्लोक को श्रवण किया था। उसमें दूसरा श्लोक कहते हैं, बोले धैयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम सीव विरीचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थी अहम प्रणत पाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये दूसरा श्लोक ये है, इसमें कहते बोले हे प्रणत पाल, महाप्रभु को कहते हे प्रणत पाल। प्रणत पाल मतलब बोले प्रणत मात्र ही मात्र नैव आश्रिता नाम पालक है। इसलिए जो एक बार केवल महाप्रभु का चरण में केवल एक बार उनका चरण में आश्रय हो आश्रित हो गए, भगवान क्या करते हैं उनको जरूर पालन ठाकुर जी करते हैं। इसलिए हम कल सुन रहे थे ना, भगवान राम ने क्या प्रतिज्ञा किया, बोले सकृति एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तत प्रथम। ये भगवान का प्रतीक, जो एक बार केवल बोल दे ठाकुर जी मैं तेरा हूँ तुम मेरे हो, एक बार बोल दे, भगवान कहते सर्वदा अभय तस्मै, मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए प्रणत बाल मतलब केवल प्रणत शरणागत होते ही भगवान अपना भक्तों को जरूर पालन करते हैं। जैसे जगाई मधाई महाप्रभु जो बोले, महाप्रभु बोले देखो तुम्हारे सारे पाप को ले सकता हूँ, सारे पाप को ले सकता हूँ। इसलिए दूसरे दूसरे अवतार में उन्होंने क्या किया, रामावतार में कृष्ण अवतार में थोड़ी सी अपराध किया तो चक्र धनुष उठाया सबको मार दिया, लेकिन महाप्रभु का अवतार में सर भी फोड़ दिया, बाधाई ने सर भी फोड़ दिया। लेकिन क्या कह रहे हैं महा नित्यानंद प्रभु, बोले मेरे छी कलशिर काना ताई बोली की प्रेम की बना, बुझते बच्चे मेरे छी कलशिर काना ताई बोली की प्रेम दीवना, भले तुमने सर फोड़ दिया इसलिए क्या मैं तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, जरूर मैं तुमको प्रेम दूंगा, हैं एक प्रेम दूंगा जरूर तुम्हें। एक बार केवल तुम श्री सचिनंदन गौर हरि का एक बार तुम नाम ले लो, बस एक बार केवल नाम ले लो तुम्हारे सारे अपराध को, हैं हमारे किणिया लहो बोलो गौर हरि। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारे पास में पीक जाऊंगा एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले लो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले दयाल नीता चैतन्य बोले नाचे अमर मन, दयाल नीता चैतन्य बोले नाचे अमर मन, 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 हे मन दयाल तो नहीं है मारते प्रेम दे अपराध दूर जावे पावे प्रेम दान दयाल की तय चैतन्ना बोले अमर मन, दयाल की तय चैतन्ना बोले आचर्य अमर मन, ओ नामे अपराध विचारत नहीं है, ओ नामे अपराध विचारत नहीं है अपराध दूर जावे पावे प्रेम दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन। बोले मेरा जो मन है दयाल नित्यानंद महाप्रभु का नाम को लेकर के मन ना छूटे, बोले क्यों, बोले ए मन तो दयाल तो ना ही है मार के प्रेम दे,
ऐसे दयाल कभी देखे हो जो मार खा करके भी कृष्ण राम को थोड़ी सी कोई कुछ बोल दिया ना चक्र धनुष उठा लिए, लेकिन इनका सर भी फोड़ दिए, सर भी फोड़ दिए तभी भी बोलते भैया कोई बात नहीं है, तभी कोई बात नहीं, एक बार तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले लो तुम्हारे सारे अपराध समय मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए शिशुपाल ने एक गाली नहीं, एक से एक गाली, एक से एक खड़े खड़े होकर के गाली देते जा रहा था है? लेकिन यहाँ पर तो महाप्रभु ने मार भी सर भी फोड़ दिया, बोले कोई बात नहीं एक बार मेरे ना प्रभु का नाम ले लो। इसलिए कहते प्रणत मात्रे न एव आश्रिता नाम पालक, इसलिए उनका नाम है प्रणत पाल, प्रणत मात्र से ही अपना शरणागत भक्तों को जो हर समय रक्षा करते हैं प्रणत पाल। कहते महापुरुष, कहते महाप्रभु को महापुरुष ते चरणार बिंदम, कहते महापुरुष मतलब बोले महाभागवत लीला अभिनयकारी परतम पुरुषोत्तम महाप्रभु महापुरुष वही, इसलिए कहते उनको वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम, कहते ऐसे महाप्रभु का चरणों को हम वंदना करते हैं। कहते उनको महापुरुष बताए, कहते महापुरुष उनको क्यों बताए, वो तो स्वयं राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो तो कृष्ण स्वयं, वो तो कलयुग में राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर के जगत में आए हैं, वो तो स्वयं भगवान है, ये तो परात्पर तत्व परम ब्रह्म है। फिर उनको महापुरुष क्यों कहते हैं, इसलिए चैतन्य भागवत में बताया साधु पावा बड़ कष्ट जिबेर जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। महाप्रभु ने देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन, साधु पावा बड़ा कष्ट जिबेर जानिया, कलयुग में बताया ना चैतन्य चैतन्य भागवत में कीर्तन क्या होता है, कीर्तन कहते किसको है, कीर्तन क्या चीज, कीर्तन कहते किसको, क्या हरिनाम, कुछ भी पता नहीं लोगों को, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं लोगों को। इसलिए कभी कभी हम लोग जब कीर्तन करते हैं ना दूसरे जगह नए जगह, बोले ये क्या हो रहा है, लोग ना आग फाड़ फाड़ कर देखते हैं, लोग आग फाड़ फाड़ कर देखते हैं है? आग फाड़ फाड़ कर देखते हैं। हमारे एक भक्त है गुरुदेव का शिष्य है, जब यूरोप हालांड में हमारे भक्त लोग कीर्तन करते करते जा रहे थे, सब इस्कॉन का भक्त लोग हरिनाम कीर्तन करते, वो बोल रहा था मैं कैसे आकृष्ट हुआ, वो कह रहा था मैंने जब देखा, देखना जब भक्त लोग हरिनाम कीर्तन करते ना उनको एक उनका शरीर में एक अलग चेहरा है, पूरा उनको मुस्कुराते हुए चेहरा है, एक आनंद में चेहरा, ये चेहरा साधारण लोगों में नहीं दिखती है, साधारण लोग अंदर में इतने प्रसन्न, अब जब कीर्तन करो जब हरिनाम करो उसमें जो आनंद है दुनिया में और किसी में इतना आनंद नहीं। वो कह रहा था जब मैंने उनको देखा है ना, जैव धर्म में पढ़ रहे थे ना, जैव धर्म में कौन जैव धर्म में जब सन्यासी ठाकुर जी सन्यासी ठाकुर हाँ जब उन्होंने जब जो मायावादी पहले था हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म हाँ मैं वही ब्रह्म हूँ सर्वम खलिदम ब्रह्म कुटिचक बहुतक हंस परमहंस सारे स्थिति को पार कर गया। लेकिन एक दिन जब उसने देखा बैठ करके एक व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य नाम को लेते हुए हाँ गिरते पड़ते हुए हाँ गिरते पड़ते हुए भाव में विभोर होकर के हाथ उठा उठा करके प्रेम में जा रहा था, बोले मैंने इतने सारे चीज जीवन में पालन कर लिया लेकिन उसको दर्शन मात्र से ही मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट हुआ जो आनंद मैंने कभी जीवन में प्राप्त नहीं किया, कभी प्राप्त नहीं किया। मैंने बाद में उसी समय पद मर्यादा का लोभ से मैंने जा नहीं पाया, लेकिन जो आनंद मिला थोड़ी समय के लिए मैं आनंद कभी नहीं मिला, बाद में तो ढूंढा कभी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो भक्त लोगों के अंदर में जो आनंद है इसलिए भक्त पावा बड़ा कष्ट जिबेर जानिया, इसलिए कलयुग में भक्त बड़ा कठिन। वो कह रहा था जो मैं केवल एक बार हरि कीर्तन केवल उनको देखा नास्ते कीर्तन करते हुए ना पता नहीं मेरा मन अपने आप कैसे आकृष्ट हो गया, अपने आप उनको प्रति आकृष्ट हो गया और मैंने साधु बन गया, मैंने भक्त बन गया, गुरु जी का शिष्य बन गया,
इसलिए कहते साधु पावा बड़ा कष्ट जीवर जानिया, कलयुग में साधु पाना बड़ा कठिन है, इसलिए साधु गुरु रूप में कृष्ण आयला ने दिया। तब स्वयं भगवान ने क्या किया, साधु और गुरु रूप में कलयुग में आ करके उन्होंने साधु का चरित्र रहन सहन खान पान कैसे होनी चाहिए, महाप्रभु स्वयं एक साधु बन करके साधु का एक आदर्श रूप में उन्होंने दुनिया को दर्शन कराया है। इसलिए महाप्रभु स्वयं संन्यास वेश लिया, गंभीरा में रहे, कैसे खाते थे, कैसे रहन, कैसे सहन, कैसे उनकी भगवत चरण में उनको कैसे विश्वास है, भगवत चरण में कैसे शरणागति, उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने दिखाया। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसे जो महापुरुष है, जो महाभागवत लीला अभिनय कारिणी है, महाभागवत का जो लीला को जो अभिनय करने वाले, ऐसे जो परम परतत्व श्री पुरुषोत्तम, ऐसे से महाप्रभु का चरण में हम प्रणाम करते हैं। इसलिए बोले धैयम सदा, सदा मतलब होता है निरंतरम, न अत्र काल देश नियमादि विचार इति। इसलिए क्या करो, ऐसे महाप्रभु को सब समय उनको भजना करो, उनको भजन करो। बोले सदा मतलब क्या बताए, बोले ना निरंतरम न अत्र काल देश नियमादि विचार न इति। कहते भगवान को भजन करने के लिए है उसमें कोई काल देश नियम आदि कोई विचार नहीं। इसलिए बताए ना क्या, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एताद श्री तव कृपा भगवत नामापि दुर्दैव मिदृश्य निहाजानी नानुराग। महाप्रभु को ध्यान करने के लिए कोई देश काल नियम भक्ति के लिए ये सब चीज नहीं। लेकिन हम आज कल परसों सुन रहे थे ना, लेकिन ज्ञान को करने के लिए पहले आपको अंतर अंदर इंद्रिय पहले दमन करना पड़ेगा, तभी ज्ञान में अधिकारी बनेगा, नहीं तो ज्ञान में अधिकार तुम्हारे नहीं। अंदर अंतर इंद्रिय बहिरी इंद्रिय के लिए संयमता चाहिए, कर्म के लिए भी पहले स्नान करके पवित्र होकर के आचमन करके क्या क्या करनी चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए, भक्ति के लिए कुछ भी नहीं। भक्ति के लिए न उचिष्ट है, क्या श्लोक है, उचिष्ट न देश काल नियम आदि। इसलिए 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 भगवान का नाम खाइते पीते जत्था तथा नाम लय देश काल नियम नाहि सर्व सिद्धि है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, उनका स्मरण के लिए कोई देश काल नियम, कोई पवित्र अपवित्रता की कोई जरूरत नहीं। किसी समय में भी उनको हम ध्यान कर सकते हैं, उनको ध्यान कर सकते हैं। इसलिए बोले धैयम, धैयम सदा, धैयम मतलब ध्यातुम योग्यम ध्यानम इति अतर्थ इति अर्थ। बोले ध्यायम, कहते उनको ध्यान करनी चाहिए है। बोले ध्यायम योग्यम ध्यातु योग्यम, कहते अगर जगत में किसको ध्यान करने चाहिए तो किसको ध्यान करने चाहिए, सबको ध्यान नहीं करनी चाहिए, सबको ध्यान नहीं करनी चाहिए। कहते अगर ध्यान करने चाहिए तो किसको करो, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को ठाकुर जी को करो, और किसको ध्यान नहीं करो। इसलिए बोलते ना अकाम अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दिव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम है। इसलिए जजेत पुरुषम परम, किसको पूजा करनी चाहिए, किसको ध्यान करनी चाहिए, केवल महाप्रभु को ध्यान करो और किसको मत ध्यान करो, मना कर देते हैं। बोले अकाम सर्व काम बा, कुछ कुछ लोगों का क्या धारणा है, देखो बोले कृष्ण भजन महाप्रभु का भजन कौन करते हैं, बोले जो निष्कामी होते हैं, दुनिया की कोई जरूरत नहीं, निष्कामी है, मुक्ति की इच्छा करने वाले, प्रेम को इच्छा करने वाले, वही लोग ही किसको करते हैं, कृष्ण को राम को जगन्नाथ महा। हम तो संसारी लोग हैं, हम तो घर गृहस्थी है, हमको तो धन दौलत पुत्र परिवार बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान हमें चाहिए है। इसलिए हम उनको क्यों भजन करें, हम तो शंकर जी को पूजा करेंगे, मैया देवी को पूजा करेंगे, गणेश जी को, भोले बाबा को, और इनको हम पूजा करेंगे, उनको क्यों पूजा करेंगे। कुछ कुछ लोगों का ऐसी धारणा है, इसलिए वो क्या करते हैं, कृष्ण भजन नहीं कर, जगन्नाथ जी की महाप्रभु का भजन नहीं, नहीं हमको तो शंकर जी सबसे जल्दी जल्दी खुश हो जाएंगे, भैया खुश होकर धन दौलत, कहते नहीं भैया। बोले अकाम सर्व काम वा,
कामना वासना छोड़ करके हो, नहीं तो सारे कामना वासना को लेकर के हो, किसको पूरा किसको ध्यान करो, बोले केवल श्री सच्चिदानंद गौर हरि के ही पूजा करो, और किसको पूजा नहीं करनी चाहिए, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए उदाहरण देकर समझा है, बोले देखो पंच पांडव का जीवन, वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं, बोले उनका स्त्री कौन है, बोले द्रौपदी। बोले द्रौपदी उस समय में कौन थी, बोले उसी समय मिस यूनिवर्स, क्या बोलते ना, विश्व सुंदरी, वो विश्व सुंदरी थी। इसलिए कर्ण में जब उन्होंने लक्ष्य भेद का समय आया, वो कर्ण कर सकता था, उसका धर्म शक्ति थी। भगवान बोले नहीं, मैं साला बनूंगा तो ये दुष्ट व्यक्ति का साला बनूंगा, साला बनूंगा तो मैं अपना भक्त का ही साला बनूंगा, है साला बनना पड़ेगा ना बहन कृष्ण, नहीं नहीं द्रौपदी ने, सुभद्रा, सुभद्रा का समय भी ऐसे हुआ, दुर्योधन चाह रहा था सुभद्रा का हाथ चाह रहा था, बोले इसे दुष्ट व्यक्ति का मैं साला बनूंगा, नहीं साला बनूंगा तो मैं अपना भक्तों का। इसलिए उन्होंने क्या किया, अर्जुन को पट्टी बढ़ा करके उनको सिखा बुझा करके बोले यहाँ से सुभद्रा को अपहरण कर लो, है सुभद्रा को अपहरण कर लो। सुभद्रा कृष्ण की बहन बहुत सुंदरी थी, क्योंकि जिसका भाई इतने सुंदर, बहन कितने सुंदर है, द्रौपदी वो भी विश्व सुंदरी, अजनी संभवा जग से प्रकट हुई, उसकी बराबर सुंदरी जगत में कोई नहीं थी, सारा दुनिया उससे शादी करने के लिए पागल थे। वह कर्ण भेद कर सकता था, लेकिन भगवान कर्ण नहीं दिया, द्रौपदी को इशारा कर दिया, बात द्रौपदी बोली ये सुत पुत्र से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, है नहीं कर सकती हूँ। इसलिए किसको जिताया, अर्जुन को उन्होंने जिताया, अर्जुन को जिताया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो कोई अगर सोचे अरे भजन करने पर सुंदरी लड़की नहीं मिली, पंच पांडव को देख लो, एक तो अर्जुन का एक तो सुभद्रा है ही है कृष्ण की बहन, लेकिन उसको साथ साथ में किसकी, द्रौपदी विश्व सुंदरी जिसकी पत्नी है, विश्व सुंदरी जिसकी पत्नी है। इसलिए कृष्ण कहते भैया मेरे भक्तों को ही जगत का सबसे सुंदर वस्तु मेरे भक्तों का ही मिलता है, मेरे भक्तों का ही मिलता है और किसको नहीं मिलता है, भाई एक से एक पंच पांडव, पांच महारथी, हाँ अतिरथी महारथी कहते हैं ना, महारथी एक से एक बलवान है। और उन्होंने क्या किया, सारे सबको उन्होंने परास्त किया, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध ना राजस्व यज्ञ कराया, राजस्व यज्ञ कराया, बोले राजस्व यज्ञ कौन कर सकता है, बोले वही कर सकता है पृथ्वी का जितने सारे राजा जिसकी शरणापन्न हो, जिसके अनुगत्य में, वही कर सकता, सब नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जरास लेकर के जरासंध के पास में गए, जितने सारे राजा को उसने बंदी करके रखा था, लेकिन भीम को देखकर मारे और एक साथ में पृथ्वी का सारे राजा युधिष्ठिर महाराज की शरणागत हो गए। फिर उन्होंने राजस्व यज्ञ कराया, चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती बनाया। कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरे जो भक्त बनेंगे ना वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसलिए भागवत में देखो अम्बरीश महाराज, भरत महाराज हैं, श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री ध्रुव महाराज राजा नहीं, प्रहलाद महाराज राजा नहीं, सब कुछ महाराज है। कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरे जो भक्त बनता है ना, है जो मेरे भक्त बनता है सर्वश्रेष्ठ अगर किसको पद मिलता है, अभी तक भी ध्रुव लोग को सब याद करते हैं, ध्रुव लोग को याद करते हैं ध्रुव लोग को। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ध्येय मतलब होता है ध्यान योग्य अगर कोई है ना, केवल भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु है। पहले तो भगवान थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं, है भगवान थोड़ी सी पहले परीक्षा कहते ना, जे करे हमारा आस तार करी सर्वनाश, तबु ना छाड़े हमारा आस, हमी तबे करी तार दासर दास। जे करे हमारा आस तार करी सर्वनाश, जो मेरा आस करता है पहले तो उसको सर्वनाश करता हूँ, फिर अगर मेरा आस नहीं छोड़ता है फिर तो मैं उनका दासों का दास उसको मैं बना देता हूँ, दासों का दास मैं बना देता हूँ। इसलिए कहते हैं अगर किसकी ध्यान करनी चाहिए, कहते भैया मना कर देते दूसरे देवा देवी को पूजा मत करो, कामस्तस्थ हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता कौन पूजा करते हैं, बोले कामना वासनाओं से जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, हैं वही व्यक्ति दूसरे दूसरे देवा देवियों के पास में जाते हैं। इसलिए क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम
शरणम ब्रज, इसलिए मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्करो। कृष्ण इसलिए कहते बोले माम एससी है तभी तो मेरे को प्राप्त करोगे, इसलिए सब कुछ, इसलिए कहते ध्यान मतलब होता है अगर किसको ध्यान करने का अगर कोई योग्य है ना, कौन है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु। और विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर की अच्छी बात कहते हैं, कहते अगर श्री चैतन्य महाप्रभु अगर कोई उपासना करता है कहते उनको क्या होता है, बोले गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। इसलिए जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत में भजन करते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं निर्दया घाट नवद्वीप में गोता लगाओ अपने आप कैसे तीर्थ घाट में अपने आप निकलो। मतलब राधा कृष्ण का महाप्रभु का अनुगत में कुछ भजन करोगे तो महाप्रभु का भजन तो दास्य रस से होता है, दास्य रस से। लेकिन दास्य रस से तो करोगे उनको उपासना जब निकलोगे ना मधुर रस है, क्योंकि महाप्रभु कौन, राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते एक साथ में दोनों प्रकोष्ठ में सेवा मिलेगा, कहा एक तो महाप्रभु का प्रकोष्ठ में, एक श्री राधा कृष्ण का प्रकोष्ठ में। जैसे रूप गोस्वामी कहते महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी और कृष्ण लीला में रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु का लीला में सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में लभंग मंजरी, श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु का लीला में और कृष्ण लीला में श्री ललिता सखी है, राय रामानंद महाप्रभु का लीला में विशाखा रूप में श्री कृष्ण लीला में, एक साथ में तुम्हें दो प्रकोष्ठ में एक सेवा मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते ध्यायधेयम् कध्यातुम योग्यम है, इसलिए अगर किसकी ध्यान करने का अगर कोई योग्य है तो कौन है, श्री सचिनंदन गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कहते ध्येयम् बोले परिभवग्नम, बोले परिभवग्नम मतलब क्या है, कहते अन्याभिलाष कर्म ज्ञान जोगादि केवल भक्ति विरोधी मार्ग ही जह परिभव तिरस्कार तम हंति इति तथा तत। संस्कृत भाषा वाले समझ में इतना नहीं आ रहा है, कहते जो अन्याय भजन करने के लिए कैसे, कहते ना अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति का ये लक्षण है, अन्याभिलाष को छोड़ करके ज्ञान कर्मों के द्वारा ये आवृत नहीं होनी चाहिए। अनुकुलेन कृष्ण रोचमाना प्रवृत्ति है और अनुकुला देवी कौन, श्री राधा रानी। इसलिए क्या करनी चाहिए, क्या करना, कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। उत्तमा भक्ति क्या है, बोले जो कृष्ण भक्ति करते हैं, यद्यपि यहाँ पर कृष्ण नाम किस लिए लिया, कारण है बोले कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है, कृष्ण भक्ति करने से सबका भक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते केवल कृष्ण नहीं कृष्णानुशीलनम, केवल कृष्ण नहीं, कृष्णा मतलब श्रीमती राधा रानी, राधा जी की अनुगत्य में जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब परिभव तिरस्कार तम हंति केवल भक्ति विरोधी मार गई जो परिभव, परिभव माने कौन से थे, परिभव संस्कृत भाषा का नाम है, परिभव तिरस्कार तम हंति इति तथा तत। पराभव, पराभव माने माने तिरस्कार, तिरस्कार हां तिरस्कार माने अभिनंदन माने हंति मस्तक अभिनंदन का को अन्य मार्ग, इसलिए मार्गों को पराभव करके जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। बोले अभिष्ट दोहम अभिष्टम प्रयोजनम कृष्ण प्रेम दुग्धि पुरयति च तत् कृष्ण प्रेम प्रदात मित्यर्थ। कहते अभिष्ट दोहम, कहते हमारी जो अभिष्ट है, हैं बोले जो प्रयोजन किया हमारे प्रयोजन है, बोले कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का प्रयोजन है। इसलिए कहते कृष्ण प्रेम प्रदर्थ मित्यर्थ, इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। इसलिए महाप्रभु कौन है,
कहते केवल वदान्य नहीं, नमो महान वदान्य। जितने दानियों में सबसे जो बड़ा दानी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए कहते हमारा जो अभिष्ट है केवल कृष्ण प्रेम ही हमारी अभिष्ट है। तीर्थास्पदम कहते तीर्थानी श्री गौड़ क्षेत्र ब्रजमंडलम मुख्यानी तेसाम जदवा तीर्थानी है। बोले तीर्थ को अंदर में जितने तीर्थ है, है? कहते तीर्थास्पदम, स्पदम अर्थ बनाओ तीर्थ तीर्थ पात्र। इसलिए तीर्थ का कौन सा तीर्थ है? विशेष करके तीन क्षेत्र ही हमारी श्रेष्ठ क्षेत्र है। एक तो श्री क्षेत्र है और एक है श्री नवद्वीप धाम है और एक श्री ब्रजमंडल है। कहते ये तीन धाम तेसाम जदवा तीर्थानी ब्रह्म संप्रदाय आचार्य श्रीमद आनंद तीर्थानुगत श्रौत पथ श्री रूपानुग महाभागवता तेसाम आस्पदम आश्रय स्वरूपम। मतलब ये रूपानुग जो गुरु परंपरा में जो भक्त लोग आए हैं, हैं इनका जो आश्रय है। कहते से आस्पद आश्रय स्वरूपम, कहते सब ये सब का आश्रय स्वरूप कौन है? कहते श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहते शिव पिरिच नूतम, कहते इनको उपासना करने वाले कौन है? बोले श्री शिवा अवतार। कौन है? श्री अद्वैताचार्य है। शिव पिरिचि, पिरिचि कौन है? कहते ब्रह्मा है। कहते पिरिच महाप्रभु लीला में श्री हरिदास ठाकुर है। हैं, बहुत अच्छे अच्छे बात वहां पर बता रहे। इसलिए कहते शिवा अवतार अद्वैताचार्य पिरिचि अवतार हरिदास ठाकुर ताभ्याम नूतम स्तुति है। कहते ये लोग जिनकी चरण में आश्रय ग्रहण किया, इसलिए कहते ब्रह्मा शंकर महाप्रभु लीला में हरिदास ठाकुर श्री रूप में आए। और श्री और किस रूप में आए? हरिदास ठाकुर और श्री अद्वैत आचार्य रूप में आए। कहते ये लोग जिनकी चरण में शरणागत हुए, कहते ये कौन है? बोले भृत्यार्थी अहम। कहते जो भृत्य कौन है? बोले सो भृतस्य कुष्ठ विप्र वासुदेवस्य दुख मंती। इसलिए कहते उनको कहते आश्रितों को भृत्यों को जो आरती दुख को हरण करने वाले, बोले कौन? बोले श्री वासुदेव विप्रम। कहते इनके सारा शरीर में कूड़ हो गया था, कुष्ठ हो गया था और उनको जो कुष्ठ व्याधि जब हो गया उनके शरीर से जो कीड़े होते थे वो कभी कभी ये कीड़ा नीचे गिरता था, गिर करके फिर उन्होंने उठा करके उसके अंदर में डालते थे। बोले तू क्यों जा रहे हो? तेरा खाद्य है, तुम इसको खाया करो। लेकिन श्री महाप्रभु जब श्री विप्र कुष्ठ विप्र उन्होंने आलिंगन करते ही बड़े सुंदर देवता जैसे रूप बन गए। बोले प्रभु पहले मेरे अच्छा था, मेरे अंदर में तीन हीन भाव आता था, भजन करता था, आप तो इतने सुंदर शरीर दे दिया, अभी तो मेरे अंदर में अभिमान आ जाएगा, फिर तो आपका मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाप्रभु आशीर्वाद, बोले नहीं तुम इसी शरीर में इतना भजन होगा। इसलिए कहते भृत्यार्थी अहम, ऐसे जो भृत्यों को दुखों को जो हरण करने वाले हैं, बोले भवाब दीपोतम संसार अर्णव तारकम पखे सार्वभौम प्रताप रुद्राधिनाम मुमुक्षम बुभुक्षम रूपात संसार बुद्धम उत्तरणावलंबनम। महाप्रभु ने क्या किया? बोले भवाब दीपोतम है, भवाब दीपोतम यहाँ पर बताए भव मतलब होता है होना, पुनरपि जरम जन्म पुनरपि मरणम। ऐसे जो संसार रूपी जो अर्णव है जो सागर से, उन्होंने महाप्रभु ने क्या किया? कहते जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री प्रताप रुद्र बुभुक्ष मुमुक्ष रूपात, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे बात। इसलिए सार्वभौम कौन है? श्री मुक्तिवादी। और श्री प्रताप रुद्र कौन है? कहते श्री भोगी है। कहते ये दोनों ही, कहते ये दोनों ही क्या है? दोनों ही गिरे हुए। और जो सर्वम भट्टाचार्य जो मुक्तिवादी है, मुक्तिवादी भगवान क्या कहते हैं? दियमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवन विना।
भक्त लोग क्या करते हैं, कहते मैं मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, इसलिए नरक बादशाह तब वो साजुज जाना चाहते, कहते भक्त लोग कहते हम नरक जाना चाहते हैं लेकिन ये साजुज मुक्ति लेना नहीं चाहते, क्यों, कारण क्या, इसलिए कोई भक्त रामानुज संप्रदाय में कहते एक तरफ में एक शेर खड़ा हुआ, दूसरे तरफ में एक मायावादी जो भगवान को निराकार निर्विशेष निर्गुण मानने वाले जो ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते, एक तरफ में एक मुक्तिवादी खड़ी हुई, दूसरे तरफ में शेर, मैं बीच में, अब मैं किधर जाऊंगा, कहते मैं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, बोले जाऊंगा मैं शेर का तरफ में जाऊंगा, लेकिन जो मुक्तिवादी संन्यास का तरफ नहीं जाऊंगा, बोले क्यों, बोले अगर ये शेर का तरफ में गया तो शेर खा जाएगा लेकिन उसमें एक जन्म नष्ट होगा, फिर दूसरा जन्म में फिर जन्म होगा तो फिर भक्तों का संग मिलेगा तो भगवत भक्ति मिलेगी, लेकिन ये जो मायावादी ब्रह्मवादी है जो साधु खड़ा हुआ अगर इसकी पल्ले में पड़ गई, इसकी खपर में पल्ले में पड़ गई तो एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर की जीवन तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी इसकी संग से, इसलिए कहते हैं, कहते क्या, शंकर रे दोष नहीं सही आज्ञाकारी दास, तार भाष्य जिये पड़े तार है सर्वनाश, तार है सर्वनाश, इसलिए ऐसे व्यक्ति उसका भाष्य पढ़ने से जिनका है जीवन सर्वनाश हो जाते हैं, इसलिए कहते ये कौन है, कहते ये बुभुक्षु है, ये कहते ये मुमुक्षु है, और बुभुक्षु कौन है, बोले श्री प्रताप रुद्र राजा, ये महाविषय भोगी है, यद्यपि महाप्रभु का परिकर है, महाप्रभु का ये इंद्रदुम्न राजा जो पहले सत्ययुग में जिन्होंने की जगन्नाथ मंदिर को स्थापना किया वही इंद्रदुम्न ही ये प्रताप रुद्र बन कर क्या है, कहते ये सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, कहते ये बृहस्पति, ये कौन है, देव गुरु श्री बृहस्पति है, ये बृहस्पति, तब भी यहाँ पर साधारण रूप में दिखा रहे हैं, बोले संसार अम्बुधई उतरणावलंबनम ते तव चरणार विंदम है, कहते ऐसे जो संसार से जो उधार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में हम सब के सब प्रणाम करते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन महाप्रभु की, इसलिए यहाँ पर श्री करभाजन इस श्लोक को करभाजन कह रहे हैं, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के सबको उद्धार करेंगे, सबको ऊपर में कृपा करेंगे, ये सत्य युग में ये श्लोक सत्य युग में उन्होंने बोल कर गए श्रीमन महाप्रभु जन्म ग्रहण करने वाले, कल फिर और दो तीन श्लोक यहाँ पर है, कल दो तीन श्लोकों को सुनेंगे कैसे भागवत में श्रीमन महाप्रभु आने वाले पहले पहले शास्त्र कैसे बता करके गए, कोटा क्या बताया, हाँ शंकर दोष नहीं से तो आज्ञा करी दास, जैव धर्म ना कहाँ पर है, शंकर दोष नहीं से तो आज्ञा करी दास, तार भाष्य जे पढ़े तार है सर्वनाश, से तो आज्ञा करी दास, आज्ञा करी दास, तार भाष्य जे पड़े तार है सर्वनाश, बंद कर ले अपने किस में कर लेते, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय
जय ब्रज गण रजन जय जतो नंदन जय जतो जीवन जय ब्रज जन रजन जय ब्रज जन रजन जय जामुन किरवन सारी जय कुंज बिहारी जय जामुन किरवन जय जामुन किरवन सारी रंग बिनद बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Yeah.
गोपाल हे राधे गोपाल भज मन Krishna 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 Krishna
9 बजे से लेकर के रात को 9 मिनट तक जो उन्होंने सब लाइट बंद करके केवल दिया जलाने के लिए बताए, इसलिए कल हम लोग उस समय में दिया श्री ठाकुर जी को दिखा करके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को दिखा करके, दिया ठाकुर जी का आरती उतारते हुए हम ठाकुर जी से कीर्तन करते हुए प्रार्थना करेंगे जैसे ये कोरोना वायरस जल्द से जल्दी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए और सब जीवों को शांति और सुख मिले। और